हैं अभिनव भाई, जिन्होंने ट्रेन से यात्रा करके कुछ रूट्स का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अभिनव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, ये लखनऊ डिवीज़न का क्षेत्र है, यानी कि इसके आगे का जो क्षेत्र है, पीछे जो रूट गया हुआ है, नीचे जो ये रेल लाइन गई है, ये बनारस की तरफ गई हुई है। बनारस जिसका यानी कि पुराना नाम जो था वो मंडुआडीह था, तो अब नया नाम बनारस हो गया है। तो नीचे से ये जो रेल लाइन आ रही है बनारस की तरफ से आ रही है। दूसरा रूट अभी हम आप लोगों को प्रयाग जंक्शन का भी दिखाएंगे, इसके अलावा नैनी वाला रूट भी दिखाएंगे जो डबल लाइन का है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर ये गाय चल रही है, बछड़ा चल रहा है, ये वहीं मंडुआडीह वाला रूट है यानी बनारस वाला, और जिस पर ये मालगाड़ी चल रही है ये प्रयाग वाला रूट है, प्रयाग जंक्शन वाला, नैनी वाला रूट। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को इस वजह से भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी दूसरी जो ट्रेन होगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उस ट्रेन में अभिनव भाई बैठे होंगे, तब हम लौटते हुए आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से बनारस की तरफ रूट गया हुआ है और किस तरह से प्रयाग जंक्शन की तरफ गया हुआ रूट है, क्योंकि बाद में ये रूट जो नीचे से आया है बनारस की तरफ से, ये आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि धूप की जो रोशनी है वो कैमरे के ऊपर पड़ती है और कालापन सब दिखाई पड़ रहा होता है, इस वजह से हम आप लोगों को वो रूट नहीं दिखा पाएंगे। तो जिस ट्रेन से फिलहाल ये सफ़र कर रहे हैं अभिनव भाई, ये साकेत एक्सप्रेस है फैजाबाद से LBT। दूसरी ट्रेन जिस ट्रेन में ये बैठे होंगे वो पुरुषोत्तम होगी जो नई दिल्ली से पुरी के बीच में चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ट्रेन डिपार्ट करती है प्रयाग जंक्शन से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के द्वारा, और ये ट्रेन हमारी अब नैनी की दिशा में चलेगी। फिलहाल अभिनव भाई सासाराम तक सफ़र करेंगे इस ट्रेन से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के द्वारा। तो देख सकते हैं काफ़ी सन्नाटा है यहाँ के प्लेटफॉर्म्स पर, यात्रियों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है एकदम। और आप लोगों को अभी प्रयाग जंक्शन का रूट दिखाएंगे क्योंकि नैनी की तरफ हमने एक तरह से दिशा बताई है, ये दिशा की तरफ चल रही है ट्रेन, नैनी दिशा की तरफ। तो अब आप लोगों को एक्चुअल हम रूट दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन प्रयाग जंक्शन से यानी प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई है और प्रयाग जंक्शन का रूट दिखाते हुए हमारी ट्रेन सासाराम वाले रूट पर चली जाती है। तो देखिएगा किस तरह से ये बाइफरकेशन होता है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है, राजधानी और दुरंतो टाइप की ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं, हालांकि कुछ राजधानी टाइप की ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, और संपूर्ण क्रांति, ओडिशा संपर्क क्रांति, इन ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हम जिस दिशा से आ रहे थे ट्रेन शुरुआत में, हमने वीडियो शुरुआत किया था, अब हम उसी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये रूट यहाँ से अलग हो रहा है, और आगे आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बाएं दिशा में ये जो आप लोगों को रोशनी ट्रैक के ऊपर नज़र आ रही होगी सूरज की, तो ये प्रयाग जंक्शन की तरफ रूट जा रहा है डबल लाइन वाला। और ये जो हमारी ट्रेन है, अब ये देखिए ये सिंगल लाइन हो गई है, तो ये जो रूट है ये अब सासाराम की तरफ जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए हमारा ट्रैक यहाँ पर बाइफरकेशन किस तरह से हो रहा है, रूट का डाइवर्जन हो रहा है एक तरह से, तो वो चला गया है आपका प्रयाग जंक्शन की तरफ, और ये हमारा चला गया है रूट रामबाग रूट है वो वाला प्रयाग का सासाराम की दिशा में, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की तरफ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि इस तरह से कैसे रूट हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा रूट डबल है और इलेक्ट्रिफाइड है DDU नगर तक। तो एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।